नमस्कार दोस्तों, आप सभी खबर में शॉपी फ्रेंड। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करना है शॉपिफाई एप्लीकेशन कैसे यूज़ करेंगे, उसमें अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे और यहाँ से आप जो है अपना कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे कैसे लिस्टेड करेंगे, फिर वहाँ से कैसे बाय या सेल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले फ्रेंड। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट फ्रेंड और जान लेते हैं कि सारा प्रोसेस हम अपने मोबाइल में कैसे करेंगे। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। इसे प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना फ्रेंड, यदि आप यहाँ करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने जस्ट बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता फ्रेंड। अब यहाँ से पहले से यदि आपका कोई यहाँ पे आईडी यहाँ पे बनाए हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे साइन अप यहाँ पे करना हो फ्रेंड। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले से मैं नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पर मैं सिंपली टैप करता हूँ। जैसे टैप करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होगा फ्रेंड। इसके लिए फ्रेंड आपको एक ईमेल आईडी की जरूरत होगी फ्रेंड। आप कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन सेक्शन पे टाइप करूँगा। यदि आप पहले से आपका कोई अकाउंट है तो यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे टाइप करके अपना ईमेल आईडी डाल के फिर नेक्स्ट करके पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। बट नहीं है तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे भी टाइप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो है पीछे जो बैक था वो बस इसी प्रकार से भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक कोई अपना जो है अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे बाकी बारी बारी करके जो है मैंने सारा जो बॉक्स यहाँ पे फिल कर लिया फ्रेंड। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाला, फिर यहाँ पे अपना नाम डाला, फिर यहाँ पे पासवर्ड डाला। पासवर्ड जो है इनके रूल के अकॉर्डिंग ही आप जो है इंटर करना फ्रेंड। फिर यहाँ पे न्यू पासवर्ड एक क्रिएट, फिर यहाँ पे आपको जो है क्रिएट या न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली टैप करना है। जैसे टैप करेंगे तो आपका जो है अपना का अकाउंट क्रिएटिंग प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका फ्रेंड। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रिएट स्टोर, अब आपको यहाँ पे अपना जो एक स्टोर क्रिएट करना फ्रेंड। चलिए यहाँ पे मैं स्टोर क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड क्रिएट स्टोर पे। जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो अपना स्टोर का नाम यहाँ पे डालने को आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपका अपने स्टोर का नाम क्या डालना चाहते हैं तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डाल देना। जैसे मैं स्टोर का नाम यहाँ पे डाल सकता हूँ कोई भी, यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे समर्पित मार्केटिंग, इलेक्ट्रिक मार्केटिंग कोई भी डाल यहाँ पे डाल देता हूँ, समर्पित मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तो मैं मेरा स्टोर का जो है नाम है ये, मेरा जो स्टोर का नाम ये जो है तो मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया। अब यहाँ पे क्रिएट स्टोर वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली टाइप कर देना फ्रेंड। जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा, फिर आपका जो स्टोर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे स्टोर है वो क्रिएट हो चुका फ्रेंड। अब यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा फ्रेंड। यहाँ पे आपको फाइव फाइनल डिटेल आपको यहाँ पे इंटर करना फ्रेंड। यहाँ पे आपको जो है एड्रेस फिल करना है, अपार्टमेंट्स जो है, पिन कोड, आपको फ़ोन नंबर सब यहाँ पे अपना एड्रेस जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे फिल कर ले, ताकि आपका यदि यहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदते भी हैं तो आपके एड्रेस पे आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए बाकी यहाँ पे मैं सारा जो है फिल कर लिया अच्छे से। फिर यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे मैं टैप करता हूँ। टैप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा, प्रोसेसिंग हो रहा है तो सेव होने का, तो वेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू शॉपिफाई शॉपिंग। तो मैं यहाँ पे जो है मेरा जो यहाँ पे हो चुका है, तो मेरा जो स्टोर यहाँ पे क्रिएट हो चुका, मेरा अकाउंट भी क्रिएट हो चुका। एंड अब देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे नीचे, होम का एंड ऑर्डर्स एंड स्टोर से यहाँ पे कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे ऑर्डर वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट ऑर्डर। यदि आप यहाँ से कोई ऑर्डर करना चाहते हैं तो सिंपली इस पे टाइप करके ऐड प्रोडक्ट, ऐड कस्टमर आइटम सब यहाँ पे कर सकते हैं। कस्टमर, ऐड कस्टमर, अपना जो कस्टमर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे टैग भी लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे ऐड कस्टमर करेंगे तो यदि आप ऑर्डर किसी को ऐड कस्टमर करेंगे तो यहाँ पे सो हो जाएंगे, नहीं तो नहीं सो होंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट यहाँ पे सो हो जाते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आल प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे जैसे टाइप करेंगे जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे सो हो जाते हैं। तो यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट को आपको ऐड कर लेना फ्रेंड। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फ्रेंड स्टोर का, आपको जैसे स्टोर पे टाइप करेंगे तो आप जो है आपका स्टोर जो है यहाँ पे सो हो जाता है। आपके स्टोर में जितना भी जो कुछ है कस्टमर्स, एनालाइजिंग सब कुछ यहाँ पे सो हो जाता है फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड जो आप जो इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। तो आइए दोस्तों हमारी छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमें लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।